नमस्कार दोस्तों, मैं रचित सेठ वायरल वर्सेस फैक्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग अपने किसान आंदोलन के ट्वीट की वजह से काफी चर्चा में है। एक और क्लाइमेट एक्टिविस्ट जुड़ गई हैं इसी चर्चा में। आखिर कौन है वो एक्टिविस्ट और क्यों जुड़ी हैं वो इस चर्चा में, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिशा रवि जो कि 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्हें हाल ही में पुलिस कंस्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है। दिशा रवि कई सारे एनवायरनमेंट सेफगार्ड एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं। यंग हैं, एक अच्छी फैमिली से है, पर क्या किसी भी व्यक्ति की उम्र उसे कंट्री के विरुद्ध क्रिमिनल कंस्पिरेसी करने की इजाज़त देती है? अब यहाँ ये भी सवाल आता है कि क्या दिशा रवि ने टूलकिट एडिट और शेयर करके क्रिमिनल कंस्पिरेसी करी भी है, या एक बार फिर लोगों ने नेशनलिज्म इंस्टिंक्ट्स के साथ खेला जा रहा है। दिशा रवि वो वोग और ऑटो रिपोर्ट अफ्रीका जैसी रिनाउन मैगजीन्स में फीचर हो चुकी हैं, पर क्या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने से आप देश की इंटेग्रिटी पे सवाल उठा सकते हैं? दिशा रवि ने खालिस्तानी पोएट्स के साथ मिलकर भी काम किया है। इसके अलावा दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर उसी टूलकिट को डिलीट करने की बात भी की थी। अगर ये सब एलिगेशन सच है तो क्या दिशा की उम्र के कारण उन्हें बली कर देना चाहिए? क्या उनके इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने पे उन्हें छोड़ देना चाहिए? मगर इसके बाद कई सारे मीडिया हाउसेस ने कैरेक्टर फिक्सेशन करके दिशा रवि को दोषी ठहराया है। बट दे आर पीपल हु आर सपोर्टिंग द क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि। उनका ये कहना है कि एक यंग फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया की वॉलंटियर पे ये संगीत आरोप लगाना कि वो सेपरेटिस्ट और खालिस्तानी लोगों से जुड़ी हुई है, ये बहुत ही पेचीदा आरोप है। इससे पहले भी FFF इंडिया ग्रुप को दिल्ली पुलिस से नोटिस मिल रखा है, जब उन्होंने एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का इनबॉक्स पैन किया था ओवर एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। खैर, आपको क्या लगता है कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा को बाइज्जत बलि कर देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।